वेलकम स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल ऑफ विक्ट्री डिफेंस एकेडमी बाडडा। आज हम एडजॉइंट निकालना सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, 2x2 मैट्रिक्स का और 3x3 मैट्रिक्स का। देखो कैसे निकालते हैं। पहले तो हम लॉन्ग मेथड से निकालना सीखेंगे और उसी के हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है बेटा, ए इक्वल्स टू 1, 2, -1 और 7, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे बेटा एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ठीक है, इंटरचेंज, मतलब क्या कर देंगे हम, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। क्या करेंगे बेटा हम, डायगोनल एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के क्या कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। तो ये 7 तो यहाँ आ जाएगा बेटा और 1 यहाँ चला जाएगा, और 2 प्लस का है तो ये 2 माइनस का हो जाएगा, और 1 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, एडजॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक ऑफ 2x2 एडजॉइंट, ठीक है। 2x2 के एडजॉइंट निकालने की सबसे छोटा तरीका है ये, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम और करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है भाई a इक्वल्स टू 3, 0, -5 और -2, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया बेटा, चेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो 0 की जगह तो 3 को कर दिया, 3 की जगह 0 को कर दिया, माइनस का था 5 उसको प्लस का कर दिया, और माइनस का 2 था उसको प्लस का 2 कर दिया। ये था हमारे पास क्या, एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। ये सबसे छोटा तरीका है निकालने का। अब हमारे पास एक चीज़ आती है बेटा, इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स 1/a determinant (adjoint of a)। तो हम 2x2 का तो इनवर्स भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसी का निकालना चाहूँ, अगर ए हमारी वो मैट्रिक्स है उसका अगर मैं इनवर्स निकालना चाहूँ, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या, 0 और -10। तो ये माइनस का 10 आ जाएगा भाई, ठीक है, ये माइनस में ये, तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया, 0 -10। तो ये माइनस का क्या आ गया बेटा, -10। तो ये हमारे पास आ गया 1/-10, और अंदर हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास आ गया 0, 3, 5 और 2, ठीक है। ये था हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया भाई ए इनवर्स, ठीक है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से जो 2x2 के एडजॉइंट की थी उसे हम ए इनवर्स को भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर हम और करना चाहें तो कैसे करेंगे भाई, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल्स टू में है हमारे पास 1, 5, 2 और 3, ठीक है। ये है हमारे पास,
तो हम एडजॉइंट तो आराम से निकाल सकते हैं बेटा, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, सॉल्यूशन को डाल के लिख दो यहाँ, ठीक है, ए इनवर्स इक्वल्स टू वन बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया बेटा हमारे पास, डायगनल को तो इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगनल के साइन को चेंज कर दो, ठीक है। और हमारे पास ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, 3 माइनस के 10, तो मतलब माइनस का 7, तो ये ए इनवर्स हमारा यहाँ से क्या आ गया बेटा, माइनस 1 बाय 7 इंटू में 3 माइनस 2 माइनस 5 और 1। तो ये था हमारा 2x2 का एडजॉइंट, ठीक है, जो हम शॉर्ट तरीके से सीख रहे थे, ठीक है। इससे आगे अगर हम करेंगे तो 3x3 का देखो, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है, 1-1, 2-3, 0-5, 0-0-1, ठीक है, ये है। अगर हमने 3x3 के एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, तो सबसे छोटा तरीका हम क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इसको एक बार तो सेम लिख दो भाई, 1-1, 2-3, 0-5, 0-0-1, ठीक है। यहाँ पे एक बार C1 कोलन डाल लो तो यहाँ पे C2, तो ये आ जाएगा 1-3, 0-1, 0 और 0, ठीक है। यहाँ पे R1 रो को लिख दो, यहाँ पे R2 रो को लिख दो, तो ये हो जाएगा 1-1, 2-1 और -1, और ये हो जाएगा 3-0-5, 3 और 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, केवल इसको और C1 कोलन को और R1 रो को काट दो यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास बढ़ के आएगा भाई, अब हम कोलन को तो सोल्व करते चलेंगे और रो में लिखते चलेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 0, ठीक है। फिर अगले को अगर हमने सोल्व किया 0 और ये आ गया 1, और इसको सोल्व किया जब हमने तो -5 -0 तो माइनस का 5, और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 0-3, तो ये आ गया माइनस का 3, और ये आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 6-5, 1, और यहाँ पे आया भाई 0, 0, तो ये 0 हो गया, और यहाँ से किया 0 और 0, यहाँ से फिर से 0 हो गया भाई, और ये 0 और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा ये हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास से प्लस का 3। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक किसको निकालने के लिए बेटा, 3x3 के एडजॉइंट को निकालने के लिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम, उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। क्वेश्चन, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है भाई, 2-2, 1-0, 1-5, 1-2 और 1, ये है हमारे पास, तो हम एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, यहीं पे लिख दो आप C1 और C2, 2-0, 1-2, 1 और 2, यहाँ पे R1 R2 लिख दो भाई, 2-2, 1-2, ये हो जाएगा 0-1, 5-0 और 1। अब इसको काट दो और इसको काट दो, बस केवल इतना ही काम है, तो 1-10, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9, यहाँ पे 2+2 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, यहाँ पे -10 -1 -11, अगले पे चलेंगे तो 5-0, तो हो जाएगा 5, यहाँ पे 2-1 करेंगे तो 1, और यहाँ पे 0-10 करेंगे तो -10, यहाँ पे 0-1 तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे -2 -4 करेंगे तो -6, और यहाँ पे 2 और 0 तो ये आ जाएगा हमारे पास से 2, ठीक है। तो ये था भाई, इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, ये था -1, ठीक है। तो ये था हमारा क्या एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट तरीका, 3x3 की अगर हमें मैट्रिक्स दे रखी हो तो, ठीक है। तो आज के लिए यही शॉर्ट ट्रिक का था बेटा, ठीक है, आगे की वीडियो हम कल करते हैं, देखना इसको, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।